सो व्हाट्सअप गाइज, अगर आप मेरे वीडियो को देखने के बाद अगर इस टाइप की फोटो एडिट नहीं कर पाते हैं तो आप तुरंत मेरे चैनल को गाइज अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये फोटो आप लोग देख सकते हैं गाइज ना, इसकी बैकग्राउंड हम लोगों ने बिल्कुल चेंज नहीं किया है, तब भी ये बैकग्राउंड लग रहा है जैसे चेंज हुआ है। तो गाइज ये सारी टिप्स जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, आप भी सेम ऐसा ही एडिटिंग गाइज कर लेंगे कुछ सिंपल स्टेप में। बहुत ही इसमें टिप्स गाइज आपको बताई गई हैं, तो सारे टिप्स को जान लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं गाइज। सो गाइज, अगर इस टाइप की एडिटिंग आपको भी करनी है तो सबसे पहले स्नैपसीड ऐप को गाइज आपको ओपन कर लेना होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्ले स्टोर पर जाके ईजिली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल से गाइज प्लस के आइकन पे आपको क्लिक करके और आप जिस भी फोटो को गाइज एडिट करना चाहते हैं उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो फिलहाल दोस्तों मैं इस फोटो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसे हमें एडिट करना है। और गाइज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ऐसी ऐसी टिप्स बताई है जो कि पूरे यूट्यूब पर आज तक किसी ने नहीं दिया होगा, तो वीडियो को गाइज एंड तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले पेंसिल के आइकन पे गाइज आपको क्लिक करके और ऊपर साइड में गाइज ना आपको ट्यून इमेज के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना होगा। देन दोस्तों क्लिक कर लेने के बाद आपको ऐसे नीचे आके इसकी सैचुएशन का एकदम पूरा हम लोग डिक्रीज कर देंगे। इसीलिए गाइज हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं ना, ताकि हम लोग को बैकग्राउंड को चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिएगा गाइज इस वीडियो में मैंने बैकग्राउंड नहीं चेंज किया, तब भी ये फोटो बहुत ही बेहतरीन दिखेगी। तो क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप राइट क्लिक करिएगा तो पूरी फोटो आपकी ब्लैक एंड व्हाइट गाइज देखने को मिलेगा। तो ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन, ब्यूडिट के ऑप्शन और यहाँ पे ट्यून इमेज पे गाइज क्लिक करके ब्रश को लेके ना इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे गाइज, साइज यहाँ से 0 मिलेगा। फोटो को ऐसे जूम करके गाइज आपको अपनी स्क्रीन पे से इस इफेक्ट को हटा लीजिएगा। गाइज हटाने के बाद मैं आपको ऐसा टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आपको बैकग्राउंड चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। सिंपल से गाइज आप लोगों को ऐसे कर लेने के बाद नीचे साइड में राइट वाले ऑप्शन पे आपको गाइज क्लिक कर देना होगा। मैं सिंपल से यहाँ से क्लिक करके गाइज आपको यहाँ से बैक हो जाना होगा और जैसे ही गाइज आप बैक होंगे ना तो कुछ इस टाइप की फोटो आपकी देखने को मिलेगी। तो बस गाइज आप वीडियो को देखते रहिएगा, आप भी सेम ऐसा ही एडिटिंग कर लेंगे। तो क्या करेंगे गाइज, पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके ऐसे सिंपल से नीचे आएंगे, डबल एक्सपोजर के आइकन प्लस के आइकन पर गाइज आप क्लिक करके ना एक कलर पैनल को ले लीजिएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइज प्रोवाइड कर दिया है। गाइज लेके आपको बीच वाले पे क्लिक करके यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके और नीचे साइड में राइट क्लिक कर दीजिएगा और ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन, ब्यूडिट के ऑप्शन और डबल एक्सपोजर पे गाइज क्लिक करके ब्रश को लेके ना साइज यहाँ से 100 कर लेंगे। फोटो को ऐसे जूम करके गाइज आप इस वाले पार्ट में जो है ना कपड़े का, इस पर आप कुछ इस टाइप से कलर को चढ़ा लीजिएगा। तो मैं फटाफट से गाइज कलर को चढ़ा लेता हूँ, आप लोग भी चढ़ा लीजिएगा। फिर इसके बाद गाइज मैं आपको अपनी स्किन को वाइट करके दिखाने वाला हूँ, स्मूथ करके दिखाने वाला हूं, यानी कि सारी चीज गाइज करके दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, काफी कुछ इस वीडियो में सीखने को मिलेगा आपको। सिंपली गाइज आपको ऐसे अपने कपड़े पे ड्रॉ कर लेने के बाद नीचे साइड में राइट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके आपको यहाँ से बैक हो जाना होगा। और गाइज जैसे ही बैक होंगे तो कुछ इस टाइप की फोटो आपकी देखने को मिलेगी। तो गाइज आप वीडियो को देखते रहेगा, इस फोटो का हम लोग बैकग्राउंड चेंज नहीं करेंगे, तब भी इतना रियलिस्टिक इस बैकग्राउंड को बनाने वाले हैं। तो पेंसिल के आइकन पे गाइज क्लिक करके और सिंपल से आपको ऊपर आके ना यहाँ पे सिलेक्ट वाले पे क्लिक करके आपको जहाँ जहाँ स्क्रीन डार्क है गाइज ऐसे सिलेक्ट करके ब्राइटनेस को इंक्रीज करके नीचे के सैचुएशन को डिक्रीज कर दीजिएगा। और आप ये प्रोसेस वहाँ वहाँ कीजिएगा गाइज जहाँ जहाँ पे आपका स्किन गाइज डार्क है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लीजिएगा। और करने के बाद नीचे साइड में राइट वाले ऑप्शंस पे आप क्लिक कर दीजिएगा और जैसे ही गाइज करेंगे तो आफ्टर बिफोर फोटो की आप अपने देख ही सकते हैं। तो अब बारी आती है गाइज ना कि आप अपने बैकग्राउंड को बिना चेंज किए हुए कैसे रियलिस्टिक कर सकते हैं, यानी कि लगेगा चेंज है। तो उसको करने के लिए पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना होगा, नीचे आएंगे डबल एक्सपोजर प्लस के आइकन और सिंपल से गाइज ना इसे हम लोग यहाँ से लेके ना आप लोग इसे लेने के बाद यहाँ पे एक छोटी सी टिप्स है गाइज जिसे आप फॉलो कीजिएगा। लेने के बाद नीचे साइड में 3 ऑप्शंस मिलेंगे, तो बीच वाले पे क्लिक करके ओवरले यहाँ पे गाइज कर दीजिएगा और नीचे साइड में राइट क्लिक कर दीजिएगा। और ओवरले जैसे ही करेंगे तो कुछ इस टाइप की आपकी पूरी फोटो गाइज देखने को मिलेगा। तो ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन, व्यू डिट के ऑप्शन
और यहाँ पे डबल एक्सपोजर पे गाइस क्लिक करके ब्रश को लेके ना क्या करेंगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, साइज यहाँ से 0 मिलेगा। फोटो को जूम करके गाइस आप अपने बॉडी पे से ना इस इफेक्ट को हटा लीजिएगा। तो मैं फटाफट से इस इफेक्ट को अपने बॉडी पे से हटा लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ ये फोटो देखने में कैसी लगेगी। सिंपल सा गाइस जैसे ही आप करेंगे ना तो कुछ इस टाइप की रिजल्ट आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। तो क्या करेंगे गाइस, सिंपल से नीचे साइड में राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप बैक हो जाइएगा, और जैसे ही आप गाइस बैक होंगे ना तो कुछ इस टाइप की बिना आप बैकग्राउंड चेंज किए गाइस ना आप अपने बैकग्राउंड को देख सकते कितना रियलिस्टिक लग रहा है। तो क्या करेंगे गाइस, फेस को स्मूथ करने वाले हैं तो उसको करने के लिए पेंसिल के आइकन यहाँ पे पोर्ट्रेट वाले पे आप क्लिक कर दीजिएगा, और थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा गाइस, यहाँ पे स्मूथ टू ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। अगर आपका ये नहीं करता था आप मैनुअल भी कर सकते हैं। तो करने के बाद यहाँ से राइट क्लिक कर दीजिएगा, और जो भी काम था गाइज हम लोग का हो चुका है। एक बटरफ्लाई पीएनजी को केवल हम लोग ऐड करेंगे और ये फोटो हम लोग की बनके तैयार हो जाएगा। तो मैं फटाफट से गाइज ये कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लीजिएगा। पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके डबल एक्सपोजर प्लस के आइकन और यहाँ से उसे ले लेंगे। अगर इस बटरफ्लाई को ऐसे लेने के बाद बीच वाले पे क्लिक करके ऐड क्लिक कर देंगे और सिंपल राइट क्लिक कर देंगे, और जैसे ही गाइज आप ये प्रोसेस करेंगे तो आल्टू वाला आपकी पूरी फोटो गाइज कुछ इस टाइप की एडिट होके आ जाएगी, जो देखने में काफ़ी ऑसम एंड फारसी दिख रही है। तो इस फोटो को सेव करने के लिए डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके सिंपल एक्सपोर्ट क्लिक कर देंगे, और गाइज हम लोग का ये फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।